हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा एक रिजल्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक वोकल क्लास वन, ये देख लीजिए, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन HP। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट हु बींग रिकमेंडेड फॉर द सेट अपॉइंटमेंट पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये देख लीजिए, म्यूजिक वोकल 29/4/22। तो फ्रेंड इसमें देख लीजिए 16 पोस्टें थी, जिसका अभी रिसेंट मतलब एक न्यूज़ में आया भी था कि भाई इसमें विदाउट पेपर दिए कैंडिडेट को पास कर दिया गया है। तो उसी पोस्ट का रिजल्ट है, मतलब ये देख लीजिए फ्रेंड्स, 16 पोस्ट अनरिजर्व्ड की 9 थी, EWS ऑफ HP की 2 थी, अनरिजर्व्ड की 1 थी, VI BLV ये देख लीजिए, SC ऑफ HP की 2, ST सर्विस मैनेज ऑफ HP की 1, OBC ऑफ HP की 1। तो देख लीजिए, इसका जो रिटर्न एग्जाम हुआ था ये वो था 26/11/2022 को। उसके बाद जो उसका डेट ऑफ मतलब रिजल्ट आया था रिटर्न का, वो आया था 2/3/2023 को। उसके बाद इसके नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट 51 कैंडिडेट ने मतलब क्वालिफाई किया था। उसके बाद देखिए डेट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ इसका 15/3/2023 टू 18/3/2023, 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में इसका मतलब ये हुआ था पर्सनैलिटी टेस्ट। इधर लीजिए डिटेल ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट बीइंग रिकमेंडेड एंड रिमेन वैकेंट, मतलब कौन सी मतलब कैटेगरी वाइज भी मतलब कितनी पोस्टें भरी गई है और कितनी वैकेंट रह गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जनरल की 9 थी, 9 में से 9 इन्होंने भर दी है, EWS ऑफ HP की 2 थी, 2 में से दोनों भर दी है, कोई भी पोस्ट वैकेंट नहीं बची है। उसके बाद अनरिजर्व्ड VI VLV की 1 पोस्ट थी, 1 की 1 भर दी है इन्होंने। उसके बाद SC ऑफ HP की 2 पोस्टें थी, दोनों को फिल कर दिया है। उसके बाद OBC ऑफ HP की 1 पोस्ट थी, वो भी इन्होंने पूरी भर दी है, मतलब कोई भी मतलब इसमें नहीं बचा है। उसके बाद ST सर्विसमैन ऑफ HP, इसमें 1 पोस्ट थी नील, तो इन्होंने कोई भी कैंडिडेट नहीं से भरा, तो ये पोस्ट इसमें मतलब खाली रह गई है। तो अब देख लीजिए फ्रेंड्स, अपने मेरे नंबर चेक कर लीजिए। ये देख लीजिए, सबसे पहले है श्रेया भारद्वाज, अनरिजर्व कैटेगरी, रोल नंबर देख लीजिए वैसे तो। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, श्रेया भारद्वाज अनरिजर्व कैटेगरी, इनको सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद है अंशुल शर्मा अनरिजर्व कैटेगरी, विपिन कुमार SC ऑफ HP, रचना शर्मा अनरिजर्व्ड, रविंदर ठाकुर अनरिजर्व्ड, समुद्रा दास अनरिजर्व्ड, सचिन अनरिजर्व्ड, संजय दत्त SC ऑफ HP, वरुण सूद अनरिजर्व्ड, रीना देवी अनरिजर्व्ड, अभिषेक पाल अनरिजर्व्ड, कुमारी मुस्कान अनरिजर्व्ड VI। उसके बाद है पूर्णेंदु OBC ऑफ HP। उसके बाद है हीना शर्मा EWS ऑफ HP और लीना शर्मा EWS ऑफ HP। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, टोटल 15 कैंडिडेट को उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है 16 में से। द फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट बींग रिकमेंडेड इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ देयर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। द रिजल्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट। तो मैं आपको उनकी वेबसाइट से बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था नोटिफिकेशन जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा जारी किया है। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बटन फॉर फर्दर अपडेट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।